आपने मदद करने के लिए? मैंने हमने मदद करते कर मारा यही काम हो। तेने जब कहा था 25,000 का फोन लूंगा, 25,000 करते करते तेने का 30 का लूंगा, 30 का करते करते वो 50,000 का लिया। तो आपका भी एक ही तो लौंडा है, एक लौंडा तो कोई तुझे हम हमारा हाथ में कटरा दे दिए। पापा के हाथ में तो क्या धरा और पापा दे देंगे। तू नौकरी कर रहा 2 साल हो गए, हाथ को धरेगा तेने हमारे। राम जी गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लेके आ चुके हैं एक और न्यू व्लॉग गाइस। और गाइस जैसे आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, हम आज करने वाले हैं अपना आईफोन टूट गया प्रैंक। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं गाइस, इस प्रैंक को करने के लिए मैंने 100 बार सोचा भाई साहब। इतना अंदर से डर लग रहा था ना, क्योंकि भाई इतनी महंगी चीज़ खरीदी और भाई फर्स्ट टाइम आईफोन खरीदा था 1 साल पहले, 1 साल हो गया, और इस चीज़ पे हम प्रैंक कर रहे हैं, सोच रहे हो, जिससे मतलब पूरा व्लॉग चलता है, पूरी व्लॉगिंग चलती है और मेरा चैनल चलता है। तो भाई मतलब 100 बार सोचा, और हमने कहा खेत में आए और हमने कहा भयंकर ये प्रैंक आज करते हैं, और आज के मंगल दिन करते हैं, ठीक है। तो हम बता क्या करने वाले, मैंने इस फ़ोन में एक टूटा हुआ वॉलपेपर सेट कर दिया, जिससे बिल्कुल लगेगा कि स्क्रीन टूट गई है। देखो भाई आपको सामने दिखा दूंगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा स्क्रीन टूट गई है। देखो सामने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन टूट गई। मैं कहूँगा कि स्कूटी पर जा रहा था, मैं व्लॉगिंग कर रहा था और नीचे गिर गया मेरे से फ़ोन गलती से। और भाई फिर मम्मी पापा का रिएक्शन होगा जो वो बहुत खतरनाक होने वाला है। और मिस्टर तिवारी में मेरा साथ देंगे, ये कैमरा वैमरा पकड़ के रखेगा, बोल देंगे रिएक्शन बना रहे, एक तरह से रिएक्शन वीडियो बना रहे, कि रिएक्शन वीडियो कह रहा कि बस मम्मी कि अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अपने व्लॉग में कुछ बता सके लोगों को, तो इस फॉर्म में हम करेंगे। और गाइस मतलब बहुत डर सा लग रहा है अंदर, क्योंकि पापा मम्मी दोनों घर ही हैं। और मैं पापा का फ़ोन बस इस चीज़ के कह के लेके आया कि पापा मुझे ना आपके फ़ोन से कुछ एक वीडियो रील बनानी और मुझे आईफोन की ज़रूरत है अपने हाथ में, तो बस इस फॉर्म में लेके आया। सोचो किसी तरह मैं भानने वानने मार के लेके आया। तो बाकी अगर ये पूरा व्लॉग अच्छा लगे, प्रैंक व्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाकी अब मजा आने वाला, क्योंकि अब सीधा घर चलते हैं और देखते हैं मम्मी पापा का रिएक्शन हमारे आईफोन टूटने पे। बाकी अभी आपको सामने आईफोन की स्क्रीन दिखाते हैं भाई, खतरनाक टूटी हुई भाई, मतलब टूटी नहीं वॉलपेपर लगाया भाई, दिमाग से खेलो भाई, दिमाग से है। ये देखो गाइस, देख रहे हो, बिल्कुल कह सकता है भाई, बिल्कुल ऐसा लगेगा सही में पूरी स्क्रीन टूट गई भाई साहब, है ना तिवारी जी, ऐसा सही में लग रहा। और मम्मी पापा तो सही में वो तो इतने भोले हैं, उन्हें पता ही नहीं कि स्क्रीन के बारे में कि स्क्रीन टूटे कैसे की और कैसे, बस वो तो ये देखेंगे भयंकर, वो तो मुझे वहीं धमकाना चालू कर देंगे और कहेंगे भाई तेरे पे ये भी नहीं संभलता है ना, तेरे पे ये भी नहीं संभलता भाई, और पक्का बहुत बहुत डांट पड़ने वाली। बट गाइस आप सभी के लिए कुछ भी करने को तैयार है ना, पक्की बात भाई, ठीक है। तो जल्दी से आईफोन लेके चलते हैं भाई, पर भगवान करे कभी ऐसा काम ना हो, वे तो प्रैंक है ना भाई, प्रैंक है और प्रैंक तक सीमित रहे। और बस जल्दी से चलते हैं, ठीक है तिवारी जी, चलो भाई जल्दी बैठो 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 जल्दी। गाइस दोनों भाई जाने के लिए तैयार है, बस दुख दुख हो रही है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, और एकदम रोने वाला सीन बनाना है। और कह दूंगा मम्मी सीधा घर जाते, मम्मी आपका हो गया लो 50,000 रुपए का नुकसान, ठीक है बोलना है। बेटे बेटे माज कर दी, माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरू, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। अब रोने वाले फेस की तरह मैं चलता हूँ सीधा अंदर और फिर बोलता हूँ, ठीक है सब कुछ चलो, और धीरे धीरे चुपके चुपके जाएगा, ठीक है चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नो 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 ₹50 का ले गया, हमें तो इसी काम में, हमें तो किसी का कुछ करना ही नहीं, तुझे फोन ही लुवाना। अरे तो काम नहीं है, काम कर या ना कर अपना, तुझे मुनी शर्म है कोई? मैं तो आराम से जाता, मैं तो आराम से करता करता, मतलब एक साल तो बनाई रहता है, इससे नौकरी तो करी रहा मैं, जब लोग तो साथ में चल रहा ना, मैं बना और क्या बताओ, नौकरी तो करी रहा, मैं जब लोग तो साथ में चल रहा ना, मैं बना और क्या बताओ। यो फोन इतना महंगा है, इसकी जो टूट भी जाओ ना इसमें 10-15,000 लगा, कहाँ से लगाओगे? लगाओगे कहाँ से, लग जाएंगे, कमाइए और अपने ड्यूटी के नौकरी के समय लगाइए, कमाइए समय लगाइए, जो ही काम हो तुझे सारा दिन।
ना खाना ना पीना, 5 किलो वजन घटा लिया तेरे इसके चक्कर में ही। मैं तो आराम से लेके जाता हूँ, मैं तो हर बार आराम से लेके जाऊँ। मैं सोचू की अगर बैग गिर जाऊँ, बस फोन ना गिर जाए कम से कम, मुझे पता भी फोन कितना आएगा। तू गिर जाएगा, तू गिर जाएगा तो यू कौन चलावेगा? तो जब आप भी लगे कि आईफोन बहुत मतलब मेरे से ज्यादा है, तो तुझे जिस चीज की लग जाए तो लग जा। अब मैं फोन लूंगा, मिल लूंगा तो ये लूंगा, एप्पल का ही लूंगा। तो मैंने तो अपने काम के लिए लिया था, मैंने कोई अच्छा होता, मैंने भी ऐसे किसी को दिखाने के लिए, किसी को मजे मजे में इसलिए थोड़ी लिया था। और जब तक एप्पल के फोन नहीं आए थे, जब तक मैंने दुनिया काम कर दी थी क्या? मैंने देखिए 1500 रुपया का, तो 1500 रुपये का आपका ऐसा काम नहीं है ना। तो मेरा मेरा जैसा काम होगा मैं तो ऐसे करूँगा ना। क्या कमा लिया तेने इसमें? इधर महंगा लिया, नहीं क्या कमा लिया, कुछ कमाया क्या? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब कमाया नहीं हो, लोग एटलीस्ट लोग तो देखने वाले हैं कम से कम। लोग दे देंगे जब पैसे दे रहे से एप्पल को लड़ने के लिए, लोग दे देंगे। देखो लोग दे देंगे क्या? एक रुपया नहीं देना कोई भी। ताई जी पूरी फॉर्म में आ चुकी है, अपनी सैलरी मिलेगी, अपना पगार मेरे पता नहीं है, साफ सुथरी बात। देख तो लो, यहाँ से टूटाना, यहाँ से ऊपर से तो सही है, मतलब जो इनका इसका डिस्प्ले ठीक होगा ना पूरा, इसमें लगेगा कम से कम, मुझे लगा 2-3 हजार तो कहीं नहीं गए ना। आईफोन के डिस्प्ले में 10 हजार से नीचे नहीं होती। बस इनको तुझे सैलरी मिलेगी ना, इसमें फूक दी। मुझे खुद मुझे इतना मुझे एकदम से धक्का लगा ना, एकदम फोन जैसे गिरा कि मतलब मैं एकदम हो गया, मेरा काम हिस्सा मेरा सब कुछ हिस्सा। आप थोड़ा बहुत तो दे दियो, मुझे बेचेंगे पापा, पापा पापा दे देंगे। पापा क्यों देंगे? कोई ये काम हो और पापा के हाथ में तो क्या दे रहा, और पापा दे देंगे। तू नौकरी कर रहा 2 साल हो गए, हाथ पे धरेगा तेने हमारे तो? अरे तो दे तो जितना मैं सोच रहा, मैं आपको पता नहीं कि मैं अगर मैं अपने लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो सारी चीजें ब्लॉगिंग में चलाता रहूं कुछ ना कुछ, क्योंकि वो समय एक दिन आ सके कुछ ना कुछ होगा कभी ना कभी। तो चल ठीक है, अपना क्रेडिट ठीक करवा दे, अगले महीने सैलरी मिलेगी, अगले महीने अपनी सैलरी में करवाएंगे। मतलब आपने देने के पैसे? मैं बढ़िया 1500 रुपया देंगे। 1500 काम तो 2000 का। मां देखो क्या हो गया, क्या करें? अरे इधर तो आओ, इधर तो आओ, यहां पंगा जी भी आ चुकी है, इधर बैठो जरा। फोन जुड़ गया, देखो आगे वो आगे जो कहां गिर, अभी खेत में जाते ना, खेत में जाते जावगा, लाइटिंग में करन जावगा, इसे घुसड़ के जावगा, सही चीज जावगा, इसे घुसड़ के जावगा। चल टूट गया, टूट गया। पर इसके स्किन वगैरह कितने लगेंगे? 10 हजार लगेंगे। देखो यहाँ तो ठीक है, पूरा नीचे से टूट गया ना, यहाँ तो चारों तरफ क्रैक आ गया, बुरा इसमें डरे डरे। तो मत यही काम हो, मुझे खुद एकदम तो हुआ, इतना बड़ा नुकसान होगा एकदम। मम्मी देगी, मैं तो देती नहीं, मुझे तो यही काम है। आप दे दो फोन, इतना ऐसा लेना चाहिए जो इसमें 1-2 हजार ही लगाओ, इतना महंगा नहीं लेना चाहिए। हमारी इतनी औकात नहीं है, अपने औकात के अनुसार। जब अगर आप काम उस लेवल से बड़ा सोचोगे, अपने सब बड़ा सोचोगे, तभी तो बनेगी औकात भी। ऐसे थोड़ी औकात बना, तो मैं भी कुछ अच्छे के लिए सोच के लिया था, ऐसे थोड़ी मैंने कोई अपने मौज मस्ती के लिए किसी को ऐसे मुझे पापा वाला फोन, अब क्या करा इसके, जब ये फोन टूट गया तो मैं कहाँ से वीडियो बनाऊंगा, कहीं से भी बना सकता हूँ। हाँ ठीक करवा लो, जना ही बहाली 10 हजार का धरे। अरे चल चुप हो जा, करने तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। देख तो ले एक बार अच्छे, इसकी स्क्रीन तो देख लो एक बार, आप हाथ लगाकर टूटी या नहीं टूटी। ये तो चल गया ना, वो तो हमारा गाइस एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। भैया देख रहे हो, ये देखो तेरी मम्मी का हाथ, मम्मी बोल लगा रखा था इस चीज का।
जितनी बार बाजार जाओगे मैं तुम आऊंगी फोन ध्यान क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब। अगर आपको एक बिल्कुल रियलिस्टिक प्रैंक था, देखो मम्मी का रिएक्शन कितना तगड़ा था भाई। ताई जी तो फुल घबरा गया था इस प्रैंक को करते हुए। अरे वो चुपचाप खड़ा है, ये तो कह दिया हूं मैं करी। रॉक गाइस रॉक। और गाइस बस अगर आपको ये आईफोन टूटने वाला प्रैंक बिल्कुल रियल लगा और एकदम मजा आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल भाई एकदम जेन्युइन रिएक्शन था, किसी को कुछ नहीं पता था। और देख लो भाई तीनों को पापड़ बना दिया, पापा जी और माँ जी और मम्मी जी का तीनों का पापड़ हो गया। बाकी मिस्टर तिवारी जी हमें तो पता था और आपको सब समझा भी दिया था, बाकी एकदम रियल लग रहा था। अगर कोई देखता ना तो भाई एकदम ऐसा कहता कि भाई सही में। और खेमे मम्मी पापा देखे तो उन्हें ज्यादा पता नहीं, तो इसीलिए वो तो कहेंगे भाई सही में फोन टूट गया, हाथ लगा के नहीं दिखाया था, दूर से दिखाया था। मैंने कहा ये देखो क्या हो गया। तो बस ये प्रैंक यही बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की यही सीन होता है, तो इसीलिए। और वो भी आईफोन पे प्रैंक था और मेरे को भी डर सा लगा था, बट कोई बात नहीं। आप सबके लिए कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो बस जितना हो सके शेयर करो और सपोर्ट करो अपने मिस्टर ताऊ जी को, कि आप सबके लिए ऐसे ऐसे प्रैंक और ऐसी ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं जब भी हमें समय मिलता है। ठीक है, तब तक के लिए राम राम जी। और व्लॉग अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाना, ठीक है, और कमेंट जरूर करके जाना कि कैसा लगा। और सबसे बढ़िया इसमें किसका गुस्सा सबसे खतरनाक लगा, पापा जी का, मम्मी का और माँ जी का? मेरे को तो मम्मी का लगा खतरनाक था भाई, सबको उनका लगेगा है ना, तो मजा आ गया भाई। ठीक है, डर भी था अंदर है ना। बाकी मेरी तरफ से राम राम जी और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है भाई, कभी ना टूटे भाई ये काम, कभी ना हो। ठीक है, चल ठीक है, बाय बाय।